हमारे पास आज कंप्लेंट आई थी, कंप्लेंट थे मिस्टर सुरेश कुमार पानीपत से, उन्होंने कंप्लेंट की थी कि जी मेरी जमीन है पार्टनरशिप में जिसकी मुझे खेवट अलग करवानी है और जिसकी तकरीबन एक डेढ़ महीना पहले मैंने एप्लीकेशन दी थी तहसीलदार साहब को, जो कि मारक होके हमारे हल्का पटवारी जितेंद्र कुमार के पास वो मारक होके आई हुई है और जितेंद्र कुमार मेरे से खेवट अलग करने की एवज में 24,000 रुपये की डिमांड कर रहे हैं, जो कह रहा है कि कंप्लेनेंट कह रहे हैं हमें कि भाई मैं उसको रिश्वत नहीं देना चाह रहा और मैं उसको रंगे हाथ पकड़वाना चाह रहा हूँ, जिस पे हमने अपना ड्यूटी मजिस्ट्रेट को नियुक्त करवाया डीसी साहब की परमिशन लेके और उस पर फौरी तौर से रेड की गई जिसको रंगे हाथों हमने पैसे लेते हुए पकड़ लिया। कितने पैसे? 24,000। ड्यूटी मजिस्ट्रेट कौन नियुक्त किया भाई साहब ने? ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपने यहीं से एडमिनिस्ट्रेशन के आदमी थे। क्या नाम होगा? मिस्टर रविंद्र कुमार। किस हिसाब से रेड की सर? डिपार्टमेंट भेजा सर कैसे? ये आप बात जी शिकायत हमें आज ही मिली थी, शिकायत कंप्लेनेंट हमारे पास आज ही आए थे और उसी कंप्लेंट के बेस पे हमने डीसी साहब से परमिशन लेके अपनी रेडिंग पार्टी तैयार की जिसको मैंने और मेरी टीम ने और ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब थे उनके साथ शैडो विटनेस थे, हमने इनके ऑफिस में रेडी की और ऑफिस से ही इनको रेड एडेड 24,000 रुपये लेते हुए अरेस्ट किया। पहले भी कोई शिकायतें थी सर इनकी? पहले हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं, पूछताछ में कोई और नया खुलासा हुआ सर? नहीं, और कोई नया खुलासा। मना करने की कोशिश भी की इसने कुछ ऐसा बहाना बनाया? नहीं 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 नहीं, इन्होंने पैसे पकड़ लिए थे सब कुछ। पहले बताया सर कितने लोगों से पैसे ले चुके इस तरह? नहीं, ऐसा कुछ था। कई और लोगों के भी नाम बताए जा रहे हैं सर, बताया जा रहा है कि 3 लोगों को गिरफ्तार किया। नहीं, हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, बाकी अभी तक ऐसा कोई नाम नहीं आया कि मैं आपको बता सकूं, कोई ऐसे आगे किसी का पर्टिकुलर किसी का नाम अभी तक। टोटल कितने नोट थे सर? 24,000 पोस्ट थे यार, वो 12 नोट थे, 2,000 रुपए। आप लोग अपना काम करते रहते हैं बीच बीच में, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारी है कर्मचारी है वो फिर भी उनके जो लगातार पैसे लेने का सिलसिला जारी रहता है। तो ये तो बिल्कुल विजिलेंस ऑफिस के पास में ऑफिस था पुरानी तहसील, वहाँ पर इस तरह की वारदातें हो गई? देखिए, विजिलेंस ऑफिस के पास पटवारी का ऑफिस था, हमें भी बड़ा प्लान हो गया और बड़ा पेशेंस के साथ ये रेड हमारी कामयाबी हुई है और जनता से भी मेरी अपील है, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि अभी फिर भी कर्मचारी और अधिकारी पैसे लेने से पीछे नहीं हट रहे हैं, तो मैं आप लोगों के माध्यम से जनता को ये अनुरोध करूंगा कि कोई भी इस तरह के आपसे कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी किसी काम के उसमें पैसे की डिमांड करता है तो कृपया हमारे सामने आए, हमारे टोल फ्री नंबर भी हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में विजिलेंस ऑफिस भी है, हमारे एसपी साहब भी हैं, हम भी कहीं पर भी वो अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं, उस पर हम कार्रवाई करें। पहचान गुप्त रखी जाएगी? पहचान गुप्त। सर आपको बता दीजिए आपका नाम बता दीजिए। इंस्पेक्टर सुमित कुमार, स्टेट विजिलेंस ब्यूरो, यूनिट पानीपत। टोल फ्री नंबर बताओ सर। मैं आपसे एक अपील और करना चाहूंगा कि हमारे टोल फ्री नंबर है 1064 और दूसरा नंबर है हमारा 1800 1064। ये हमारा टोल फ्री नंबर है जो हेडक्वार्टर पे एक पॉलिसी होगी, वहां पे भी पब्लिक मैन कोई भी अगर किसी से रिश्वत की डिमांड करते तो इस टोल फ्री नंबर पे करेंगे, वहां पे रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी और आगामी कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू। तो मैं आपको बता देता हूं कि विजिलेंस टीम के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है जहां पर एक पटवारी जो है रिश्वत की डिमांड करता है और उसे रेड हैंडेड यानी रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए 24,000 रुपए जो है रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया जाता है और तमाम लोगों से गुजारिश भी की है। जब इंस्पेक्टर से हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा है कि कोई भी अगर आपसे सरकारी कर्मचारी किसी काम की एवज में रिश्वत की डिमांड करता है तो आप उनकी शिकायत जो उनके टोल फ्री नंबर दिए गए हैं उन पर शिकायत करें, विजिलेंस के दफ्तर में आप जाकर के उसकी शिकायत कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि लगातार इस तरह से जो है मामले सामने आते हैं और कर्मचारी की बात करें अधिकारी की बात करें तो उसके बावजूद भी कोई इनसे सीख नहीं लेता और जैसा कि अब कोशिश करेंगे कि जो आरोपी है पटवारी को गिरफ्तार किया गया है उनकी तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि इन तस्वीरों को शेयर करते रहें। तो आरोप लगाए गए हैं और आगे भी
इस तरह की जो कार्रवाई है, विजिलेंस के जो इंस्पेक्टर हैं उन्होंने बताया कि आगे भी इस तरह की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी रहेगी। जो भी शिकायतें उनके पास पहुंचेंगी और बखूबी उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो कोशिश रहेगी कि जो सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है, जो उनकी तरफ से कहा गया सरकार की तरफ से कि जीरो टॉलरेंस के द्वारा, जीरो टॉलरेंस के आधार पर तमाम सरकारी कर्मचारी जो हैं वो काम करेंगे और सरकारी दफ्तरों के अंदर किसी से भी कोई रिश्वत नहीं ली जाएगी। और जितने भी तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आरोप जिनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं पटवारी के, वो भी अभी जो है आएंगे और विजिलेंस के दफ्तर से जो हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर एक बड़ी कार्रवाई विजिलेंस की टीम के द्वारा की गई है। आरोप लगे थे किसी काम की एवज में 24,000 रुपये रिश्वत लेने के और उसी मामले में एक गिरफ्तारी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का, नमस्कार। मानसिक रोगों से परेशान RTOs है ना, विजिट RTOs हॉस्पिटल नियर ताऊ देवीलाल पार्क, GT रोड, पानीपत। दांत में दर्द या हो कोई भी प्रॉब्लम, RTOs है ना, विजिट RTOs हॉस्पिटल नियर ताऊ देवीलाल पार्क, GT रोड, पानीपत। कमर दर्द से परेशान, RTOs है ना, विजिट RTOs हॉस्पिटल नियर ताऊ देवीलाल पार्क, GT रोड, पानीपत। ना दिल रुके ना ही जिंदगी, RTOs है ना, विजिट RTOs हॉस्पिटल नियर ताऊ देवीलाल पार्क, GT रोड, पानीपत। किसने कितना काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात, ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर, पूछेंगे हम बताएंगे आप। खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।